हाँ जी रतराम जी, आपने यहाँ गग्गल का पुल है ना, हनुमान जी पुल है, गग्गल से नया पुल बना है, उसके ऊपर ये बंदे जो नंबर दिए वो पीछे है उसके ना गाँव में, ठीक है अच्छा होगा ना। उसके पाँव में फंसा हुआ कुछ ना, कोई जंगली जानवर को जैसे फंसाने के लिए ना, क्रैप टाइप था, तो वो फंस गई है। बैठा था, भाग कैसे गया ये? डर रहे वो भाग। मैं बार बार एक गांव से कॉल आ रही थी, वहां पे एक बैल था जो चल फिर नहीं पा रहा था, उसकी अगली टांग में जख्म था, शायद फ्रैक्चर था, तो हमने यही डिसीजन लिया कि जल्दी से एक रेस्क्यू टीम तैयार की जाए और उसको यहाँ पर लाया जाए। इधर देखो रास्ता, इधर से ना, यही रास्ता, हाँ यही रास्ता है, तो और ज्यादा ठीक है। चलो कनाई सीन साहिल ने किसी तरह गांव वालों की मदद से उसको पकड़ तो लिया। अब असली समस्या ये थी कि 500 मीटर ऊपर उसको कैसे हम लोग लेके जाएंगे, गाड़ी नीचे आ नहीं सकती थी और मतलब हमारे पास कोई तरीका नहीं था उसको ऊपर ले जाने का। इस बुल को अभी हम ज्यादा इंजेक्शन दे रहे हैं। हाथ में आ जाएगा कि हाथ में नहीं आ रहा, काटेगा बड़ा डालू नहीं आता है। हाँ डालू फिर भाई, ये उसके तो उठा लगी थी, तो उठा देखो गाड़ी यहाँ तक नहीं आ पाई भाई, कोई चक्कर नहीं है। हाँ गाड़ी चलेगी ना, जाइला दे दो ले जाएंगे घर तक, कोई असर नहीं हो रहा है। मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि आप आके हेल्प करिए उसकी, मगर अंदर से एक होता है ना कि आप कैमरा पे हैं और लोग इतने सारे उसकी हेल्प कर रहे हैं, आपको कैमरा हटा के शायद थोड़ी सी मतलब हाथ लगाना चाहिए। हमें लगता है कैमरे का काम भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जब ये कहानियाँ लोगों तक पहुँचेंगी तो शायद ये हाथ से होना बंद ही हो जाए। टांग से नीचे से, फिर पीठ के ऊपर से, फिर पीछे से पिक ट्रैप की वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुकी हुई थी, इसलिए
उसमें उसके लिम्ब में उसके पाँव में सूजन थी, तो हमने उसे 3 दिन तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखने का फैसला लिया, साथ में उसे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी देते रहे। 3rd दिन जब हमने उसका फाइनल चेकअप किया तो उसकी कंडीशन बिल्कुल सही थी, इसलिए हमने उसे रिलीज कर दिया। भाई 10-15-20 मिनट में आ रहे हैं ना। संजय को पूछ लो भाई बांस मिलेगा। और ये जो बेचारा बैल है कहीं गिर गया था, इसको इसलिए चोट लगी। गांव वाले बड़े अच्छे थे, उन्होंने इतनी मदद कराई, कंधा लगवा के उसको 0.5 किलोमीटर ऊपर लेके आया। आजकल तो लोग 1 मिनट देके राजी नहीं है। तो जो हमारे पास अधिकांश केस आते हैं ना, वो ये होता है भाई बैल को गुस्सा चढ़ा हुआ था, किसी ने उसको गुस्से में मार दिया। कुत्ते को गुस्सा चढ़ा हुआ था, किसी ने उसको पत्थर मार दिया, दरात मार दी है। कहाँ की अक्लमंदी है। अब मैं समझता हूँ गुस्सा चढ़ता है, रात को सायरन रोता है, 2 बजे उठ के मुझे चुप कराने जाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कोई करुणा के सागर बड़े हिलोरे मार रहे होते हैं, मेरे अंदर भी गुस्सा आता है मुझे, पर फिर याद दिलाना पड़ता है भाई ये जानवर है, इसमें इतनी अक्ल है कि जितने 4 साल के बच्चे में होती है, उसको अपना भला बुरा नहीं पता। तो ये कहाँ की समझदारी है कि आप उसको गुस्सा चढ़ा है तो आप उसको भी गुस्से में मार दो। कहने को हम इंसान हैं और हमें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती।